वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, और ये अपडेट दोस्तों पटना बिहार राज्य से है। बिहार में जितनी भी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस हैं वहाँ पर आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्टें हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या योग्यताएँ हैं, क्या ये वैकेंसी डिप्लोमा बीटेक या आईटीआई छात्रों के लिए है कि नहीं है, इन सारे के बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और ये न्यूज़पेपर की कटिंग आज की है, और यहाँ पे दोस्तों एक वैकेंसी आने वाली है बिहार में। 81 आईटीआई में 3025 पदों पर होगी नियुक्ति और जल्द होगी प्रक्रिया स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों 3025 वैकेंसी आने वाली है बिहार के गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस में। इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी आने वाली है, और लगातार जो कि कोरोना चल रहा है आप सभी जानते हैं कोरोना चल रहा है, इससे ही वैकेंसी लेट होती जा रही है, लेकिन जल्द ही इन पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने आईटीआई के लिए 3025 से अधिक पदों का सृजन किया है और बहुत जल्द इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में आईटीआई की संख्या पहले बहुत कम थी, लेकिन पिछले 15 वर्षों में सरकारी आईटीआई की संख्या 3 गुना बढ़ गई। इस वजह से विभाग ने 3025 पदों का सृजन किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन पदों का सृजन हुआ। प्राचार्य के 81 पोस्ट है, उप प्राचार्य के 84 पोस्ट है, सहायक अधीक्षक के 78, मुख्य अनुदेशक के 158 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों विद्युत अनुदेशक के दोस्तों 162 पोस्ट हैं। इसी तरह फिटर यानी जो मैकेनिकल वालों के लिए है वो 162 पोस्ट हैं। इसी तरह अलग अलग वैकेंसियाँ आपको दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 140 है, ड्राइंग अनुदेशक के लिए 104 पोस्ट हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए भी 634 वैकेंसियाँ हैं और स्वीपर की भी 81 वैकेंसियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए CITS की ज़रूरत होती है, पर अगर आपके पास CITS नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपने नौकरी के दौरान ही CITS कंप्लीट करके इस योग्यता को परिपूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बीटेक डिप्लोमा आईटीआई तीनों लोग के लिए वैकेंसियां निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगी, और जिन भी छात्रों ने CITS नहीं किया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में भी CITS करने का ऑप्शन उन्हें मिलेगा। तो दोस्तों जल्द ही ये वैकेंसियां आने वाली, इन वैकेंसियों के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत ही जल्द अच्छे मात्रा में वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें अदर स्टेट के लोग भी एलिजिबल होंगे, अगर अभी तक जो चलता आ रहा है अगर वो चला तो अदर स्टेट के लोग भी एलिजिबिलिटी होगी। आपको जनरल में कुछ सीटों पे फाइट करने का अवश्य मौका मिलेगा। भले ही दोस्तों जनरल में कुछ वैकेंसी आपको कम मिले, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी पे फाइट करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं फिर भी आपको भले ही कम मात्रा में वैकेंसी देखने को मिले लेकिन फाइट करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इन वैकेंसियों के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, electricaldose01@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं और अपने कोई भी डाउट कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है हमारे लिए तो ज़रूर आप हमें मेल कर सकते हैं, आपके सारे सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं, आप अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हम अगर हमारी वीडियोज़ में या फिर किसी चीज़ में कोई अपडेट में कोई कमी है तो हम निश्चित तौर पर उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।